और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। थैंक्स टू मोदी जी, सैल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। क्या बेटा समझ में आया? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और कैसे बना था पाकिस्तान? पाकिस्तान के माँ बहन मजा आया। बीजेपी गवर्नमेंट इतनी गंदी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। मलिक आगे का क्या सोचा है? मैं अब एक ही टारगेट रखूंगी अपना, और वो सिर्फ फिजा खलीफा। मेरा जिसे मेरी मर्जी। फिजा खलीफा के वीडियो में तड़का लगेगा जीरा नहीं जिन्ना का। वैसे दोनों सेम ही है, जीरा और जिन्ना दोनों ही सूखे चुन्नू से। जिन्ना वाला जो तीर है वो जाकर सीधा लगता है जहाँ अपन लगाना चाहते हैं, इसलिए जिन्ना जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन्ना से याद आया, जिन्ना बिजनेस करता था झींगा मछली का, ये मतलब मछली भी उसको झींगा ही मिली, झिंगोर के हाथ में झींगा, जिन्ना के हाथ में झींगा। इमरान खान ने कहा कि हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत को पाने में नाकाम रहे, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिन्ना बेचारा टूट गया यार। टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। जिन्ना ऊपर से इनको देखता होगा ना भीख मांगते हुए, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता नहीं पहले बेचारा गवार फली था, अब तो सूखा पापड़ बन गया होगा इस पिक के जैसे। तो अब आ जाते अपनी फिजा पर। फिजा बीबी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तीन। और उनके बाप कौन है? हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्वस हो। अरे यार पूरा भारत शामिल है। पहली बार वैसे फिजा सही क्रेडिट दे रही हो। फिजा खलीफा अपने आप को डॉक्टर कहती है। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान। ये बनकर आई है डॉक्टर मदरसा से, मदरसे छाप है। जब इंडिया में एक लड़की को यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने से रोका गया था तो इसने बहुत बवाल काटा था। हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया, लेकिन मैंने आज तक फिजा खलीफा को कभी हिजाब में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि इसको इंडिया में क्या हो रहा है उसमें टांग घुसेड़नी है। टांग नहीं, ये पूरी घुस जाती है, लेकिन खुद जलवे हैं, फैशन है। जाब में लिपटी तवाइफ, है ये जी, ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद है उनकी हिजाब के खिलाफ मुहिम के तहत कर्नाटक के एक और कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को दाखिल होने और क्लासेस लेने से बकायदा मना कर दिया गया। मेरा जिसे मेरी मर्जी रोक दिया गया। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो कॉलेज प्रिंसिपल है उन्होंने खुद कॉलेज के गेट पर खड़े होकर बाहिजाब तालिबात को रोका और उन्हें हिजाब उतार कर कॉलेज आने की हिदायत। तुम्हारे मदरसे में हिजाब पहना जाता होगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में एक स्पेशल ड्रेस कोड होता है, उसी में जाना होता है। वो मजहब धर्म को देखकर नहीं बनाया जाता। उसमें अगर हिंदू लड़की भी ट्रेडिशनल लहंगा पहन के जाएगी तो उसे भी रोका जाएगा। जाहिलो गंवारो मदरसे छापो, आप ये कर सकते हैं। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। मोदी ने अमेरिका में कदम रख कर नहुसत ढालना शुरू कर दी। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। नहुसत ढालना शुरू। फिजा बीबी अफगानियों ने तुम्हारे साथ क्या किया? कि अफगान तालिबान ने बकायदा लात मारकर किक आउट कर दिया। सुनकर बहुत बुरा लगा। अब मोदी पर जो नया इल्जाम लगा है जरा सुनिएगा, हेरोइन की स्मगलिंग करने का इल्जाम। मैं कब हो गया ये? भारत में ऐसे नमूनों की सरकार होगी तो फिर जरा इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं वो तो निकलेंगे ही। जाहिल फिजा बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन ने मोदी पर भारत में मनुष्यात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। अरे फिजा बीबी दिमाग है कि नहीं? जब बेचकर आटा वाटा ले आई। अपोजिशन वालों का काम होता है ना इल्जाम लगाना। और बात करें इल्जाम की तो तुमने तो शहबाज शरीफ को नंगा कर करके धोती हो ना। शहबाज शरीफ तो बेचारा पता नहीं कहीं मुंह दिखाने लायक है तो नहीं अभी भी। किस नाम हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने चुन दिया। शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी बच जाएगी। और इस पर शहबाज शरीफ को बाइसे फखर है। इमरान खान की तू चाटती रहती है। इमरान खान। तो उसका मतलब ये थोड़ी है इमरान खान तो तुम्हारा जिन्ना बन जाए हैं और शहबाज शरीफ अपने आप को सूली पर टांग ले। लेकिन है तो दोनों ही सूली पर टंगने लायक। ऐसा पूरा पाकिस्तान ही सूली पर टंगने लायक है यार। सही बात है। कोर्ट से $3 अरब की 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। अच्छा $3 अरब। अच्छा मोदी जी की सक्सेस का राज ये है क्या?
अच्छा मैं जरा नाजिम को ये भी बता दूं कि ये जो हेरोइन स्मगलिंग का काला धंधा है ना, नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मोदी ये काम करता रहा है। अच्छा तू पहले खरीदने आती थी क्या ड्रग्स? क्यों? तेरी हरकतों से लग रहा है कि तू बहुत बड़ी वाली चर्ची है। गुजरात को हेरोइन का अड्डा बना रखा। ये पागल हो गया। और जिस बहरी जहाज के जरिए ये हेरोइन स्मगल की जा रही थी उस जहाज में तुम जो कर रही थी उसे क्या कहते हैं? क्या कहते थे उसके लिए, किस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे? मुजरों का। ओ, मुजरे। आए हाय, आमी मानुस, मुझे भी दिखाओ कभी तुम्हारा मुजरा। इन लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट चाहिए। फिजा, तुम एंकर बनने से पहले किन में शामिल थी? बाशमूल खवातीन शामिल थी। तुमने तो बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में यार, और इसके लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ओहो, इतना जुल्म था फिजा तुम पर कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं। आए हाय, फिजा तुम्हारी अदा कितनी कातिलाना है। बेचारे इंडियंस ऐसे घायल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सड़कों पर लेट जाते घायल होकर, और अब ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर इल्जाम के बुछार शुरू। फिजा तुम्हारा और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है? नाजायज। मोदी जी और बीजेपी के लिए इतना जहर तो खुद कांग्रेस भी नहीं उगलती होगी जितना ये फिजा खलीफा उगलती है। पाकिस्तानियों का कांग्रेस से प्यार सिर्फ यही बताता है कि कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तानियों का सपोर्ट किया है। अच्छा नाजिम, कांग्रेस की जानिब से सोशल मीडिया पर मोदी की बैंड बजाने का सिलसिला भी रुका नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद ही ये इतना भीख मांगने लगे हैं, ये कटोरा लेकर घूम रहे हैं। पहले क्यों नहीं घूमे? क्योंकि कांग्रेस इनको पालती आई है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पकड़े जाने वाला जो जहाज है वो जी पाकिस्तान से होकर आया। yes! इस स्मगलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। yes, 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 you are right. सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त भारत बार बार भारत। मोदी का ये मकरू और भयानक चेहरा बेनकाब होने लगता है। वो अपनी आवाम को, अपनी जनता को मामू बनाने के लिए पाकिस्तान 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 कहने लगता है। मोदी जी मार रहे हैं पाकिस्तान की और हमें बड़ा मजा आ रहा है। मामू नहीं, तुम्हें बनाया जाता है झंडू जाहिल, और फिजा तुम जाहिलों की बेगम हो। बहुत शुक्रिया, जहालत में तुमने महारत हासिल की है। ठीक है जी, पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और भारत ने हमेशा क्या किया, पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना चाहा। पाकिस्तान तो बेचारा है, ऊंट के मुंह से धुला हुआ मैला कुचेला सड़ांद बदबूदार है ना फिजा की नजरों में। वह फिजा अपने बोल बच्चन याद कर लिया करो कि भारत में मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। मगर बदकिस्मती देखिए, हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, मेरी एनर्जी थोड़ी लो हो गई होगी क्योंकि मैं काफी दिनों से बीमार चल रही हूँ, मुझे फीवर था यार। वीडियो तो जाना चाहिए ना, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं भी आपको प्यार करती हूँ ना, बहुत ज्यादा। लव यू माई किटकैट्स।